तीसरी लहर की आशंका के बावजूद भी दिल्ली में लोगों ने मास्क हटाना शुरू कर दिया है। सोचिए, देश की राजधानी का ये हाल है। दिल्ली में लापरवाही की इन तस्वीरों को देखते हुए सिर्फ इतना याद कीजिए कि कैसे एक दो महीने पहले दिल्ली में कोरोना की वजह से सांसें टूट रही थी, ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग दर दर भटक रहे थे, लेकिन उस बुरे दौर को झेलने के बाद भी लोग खतरों से खेल रहे हैं। अनलॉक होने के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मास्क से ही सामाजिक दूरी बना रखी है। कोरोना के मामले तो एक तरफ कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आजादपुर मंडी में, और यहां की तस्वीर आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे, कोरोना के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना है, कुछ लोगों ने गर्दन पर मास्क लगा रखा है जिसका कोई फायदा नहीं है, तो किसी ने हाथ में मास्क लटका रखा है। कुछ लोग कैमरे को देखकर मास्क लगा लेते हैं और कैमरा हटते ही मास्क हटा लेते हैं। अब अगर इनसे मास्क नहीं पहनने की वजह पूछे तो बहाने तैयार रहते हैं। भाई मास्क कहाँ है आपका? मास्क बस लगा ले रहा हूँ भाई, ये तुरंत कोरोना का भी इतना बुरा हाल था। बस भाई बस ये लगा लिया। हालांकि कुछ लोगों ने मास्क जरूर पहना है और कुछ ने नहीं भी पहना है, तो अलग अलग तरीके के बहाने जो लोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है, कुछ लोगों से बात करते हैं, सर कब से मार्केट चालू हो गए थे और आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है जी पूरा। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, तो कोविड का संक्रमण होने भी हो सकता है, क्या कारण है, क्या डर खत्म हो गया कोविड से? नहीं डर नहीं खत्म हुआ, बात कर रहे थे, आवाज नहीं जा रही थी इनको। कोरोना नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं, और अगर हालात बिगड़े तो बाजार में घूमने और खरीदारी की आजादी आगे भी छिन सकती है।